हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। OYG की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम ओपन करेंगे यानी कि खोलेंगे इस साउंड बार को जो कि है LG की SL6Y। तो इसे मैं क्यों खोलना चाह रहा हूँ, वीडियो के लिए तो एकदम नहीं, मुझे कुछ काम था जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये मैं क्यों खोल रहा हूँ। तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर का माल ताल। बहुत सारे स्क्रूस निकालने पड़ेंगे दोस्तों। इतने सारे स्क्रूस निकालने के बाद भी 4 स्क्रूस अंदर पता नहीं कैसे फंसे ही पड़े हैं। और मुझे शक है कि इस स्लिप के अंदर जो ये सीरियल नंबर वाली इन्होंने चिप्पी लगा रखी है, इसके अंदर भी एक स्क्रूस मुझे महसूस हो रहा है उंगली पे। ये इसलिए होगा कि अगर हमें इस साउंड बार को खोलना है तो सबसे पहले स्टिकर हटाना पड़े और इससे हमें पता चल जाए कि हमने कुछ छेड़खानी करी है। तो मुझे लग रहा है स्क्रू है यहाँ पर इसी साइड पे, जो इसे भी खोलना पड़ेगा यानी स्टिकर हटाना पड़ेगा। और दोस्तों, मेरा एक और मकसद था कि ये ओपन करते करते इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाऊँगा जो कि मेरे और MI TV यानी कि Xiaomi TV वालों के बीच में थी। दोस्तों, मैं ज़्यादातर जो होम थिएटर वगैरह कनेक्ट करता हूँ HDMI आर्क से नहीं, मैं करता हूँ हेडफोन आउट यानी कि ऑक्स से, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन करते करते अचानक ही राइट साइड से आवाज़ आ रही थी ऑडियो की और लेफ़्ट साइड से नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने अलग अलग अपने होम थिएटर्स वगैरह बदल के देखे कि क्या पता मेरा जो करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ख़राब हो चुका हो। और फिर ईयरफोन तक लगा के देखे और सब में सेम रिज़ल्ट आ रहा था कि राइट साइड ऑडियो आ रही थी और लेफ़्ट साइड नहीं। इससे ये पक्का हो गया था कि जो ऑडियो आउटपुट है TV की, उसी में ही दिक्कत आ रही है। और TV के स्पीकर्स दोनों साइड सही काम कर रहे हैं और HDMI आर्क भी एकदम सही काम कर रहा है। बस मैंने सब चेक करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि ईयरफोन जो जैक है उसी में दिक्कत आ रही है, एक साइड पर ऑडियो आ रही है और एक साइड पर नहीं। यानी कि विजिटिंग चार्ज और GST वगैरह मिला के वो कह रहे थे 600 रुपये तो हम लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा ऊपर जो भी अगर अंदर जो भी पुर्जे वगैरह ख़राब होंगे उनका। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि चलो 1000 के अंदर अंदर बात बन जाएगी। मैंने फिर भी कहा चलो ठीक है, आ जाओ तुम कर दो ठीक। और फिर जैसे वो बंदा घर पर आया तो उस दिक्कत तो उन्हें पहले ही पता थी। मैंने कहा चलो भाई TV उतारते हैं, खोलो। उन्होंने सीधा ही बोला कि भाई ना भाई, हम तो करेंगे मदरबोर्ड पूरा चेंज और हम ये एक एक पुर्जा ठीक नहीं करते। जैसे ही अब ये दिक्कत आई, अब मेरी सर्चिंग चालू हुई कि अब मैं कहां से ये तो तुम पहले बता देते फोन पर। पहले तो मैंने सोचा थोड़ा काम सस्ते में भी चल जाए, पर भी तो अपने जो पास के रिपेयरिंग मैकेनिक्स वगैरह हैं बात करिए उनसे, मैंने बात ये बता दे कि भाई मदरबोर्ड ही चेंज होने लगे कि चलो एक दो दिन में आ जाएंगे, क्या बात हुई, ठीक कर जाएंगे ये वो। फिर अचानक ही घर आते आते मेरा दिमाग थोड़ा घूमा, मैंने कहा भाई ऑफिशियल ऑथोराइज्ड बंदों से ही सही करवा लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन एक बार चीज़ सही तो हो जाएगी, वो भी ओरिजिनल पुर्जे वगैरह का अगर कोई डलने हो गए तो डल जाएंगे। तो माना उसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, फिर मैंने अपना पक्का मन बना लिया कि भाई ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से ही मैं इसे ठीक करवाऊँगा। तो फिर मैंने भाई इंटरनेट से नंबर लिया ढूंढ के MI TV वालों का, उनके कस्टमर केयर पर बात करी बड़ी अच्छी तरीके से और उन्हें अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करवा दी कि भैया आ जाओ मेरे घर पर ठीक कर जाओ। और तब तक तो सब कुछ ठीक था, बात होगी। फिर 2 दिन बाद कॉल आई बंदे की, मैं घर में आ रहा हूँ ठीक करने, और उसने फ़ोन पर भी पूछा सेम चीज़। तो मैंने सारी सेम चीज़ें बता दी कि भैया एक ही मतलब साइड से आवाज़ आ रही है ऑडियो आउट में और एक साइड से नहीं आ रही, तो ईयरफोन जैक में दिक्कत है या फिर आगे, या आप चेक कर जाओ और मतलब ठीक कर जाओ। तो वो कह रहे हैं ठीक है हम आ जाएंगे। और फिर उन्होंने अपना चार्ज बताया जो कि सर्विस सेंटर वाले भी कह रहे थे कि इंजीनियर ही आपको बताएगा। तो उन्होंने जो भी बताया उन्होंने सारा ये कुल मिला के कह रहे थे 600 रुपये तो वो अपनी मुंह दिखलाई के ही ले लेंगे। अगर वो बता देते कि भई हम थोड़ा थोड़ा पुर्जा नहीं चेंज करते, हम पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करते, तो मैं उन्हें बुलवाता ही नहीं।
वो बंदा बोलने लगा है, भाई हमारी तो पॉलिसी यही है, हम तो एक एक पुर्जागर एक कैपेसिटर बदलने से भी सब कुछ ठीक हो रहा है, हम तो वो भी नहीं करेंगे, हमारी पीछे से पॉलिसी यही है, ये वो अपनी बात पे अड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम सीधा मदरबोर्ड ही चेंज करोगे? वो कहता है हाँ, तो यानी ये तो रिपेयरिंग करना हुआ नहीं, ये तो रिप्लेस करना हुआ, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो मैं कर लूँगा, कनेक्टर ही लगे हैं इसमें, चार कनेक्टर हटाए, चार कनेक्टर नए मदरबोर्ड के लगा दिए, तो इसमें रिपेयरिंग कहाँ पर आ गई? और जो मदरबोर्ड होता है उसका प्राइस होता है 1/3, लगभग पूरा जो भी हमारा टीवी है उसका 1/3 पैसा, और हम क्यों देंगे? उल्टा मैं क्या, कोई और भी नहीं देगा कि भैया 7-8 हज़ार रुपये सिर्फ तुम मदरबोर्ड चेंज करने के ले रहे हो, और जिसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने रिपेयरिंग करवाने से फिर मना कर दी, भाई मदरबोर्ड कौन चेंज करवा रहा है, वही बात अगर वो पहले बता देते तो मैं उन्हें बुलवाता ही नहीं, लेकिन नहीं, अब मुझे उनकी चाल पता चल रही थी कि इनका ये है कि ये जो 600-700 रुपये जो भी बन रहे थे इनके, जो भी अपने मुंह दिखलाई के, वो ये निकलवा लें और इन्हीं से इनका काम चल रहा है, क्योंकि कोई भी ढंग का इंसान मदरबोर्ड तो चेंज करवाने नहीं वाला इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए। तो फिर वो बोलने लगे पैसे दो भैया, मैंने कहा किस चीज़ के पैसे भाई, ये भी कोई बात हुई? मदरबोर्ड चेंज करोगे ना, कुछ रिपेयर करना ना कुछ, अपनी ये जो फालतू की तुम्हारी पॉलिसी है एक बार मुंह से पहले बोल देते तो फिर मैं तुम्हें बुलवाता ही क्यों। फिर उसकी और मेरी जो बातें हुई, फिर उसने अपने ऊपर जो उनके था कोई बंदा, उस इंजीनियर से भी बात करवाई, उसके साथ भी होगी मेरी थोड़ी सी बहस, तो फिर भाई मैंने उन्हें नहीं दिए पैसे और मैं क्यों दूँ? तो फिर वो बोलने लग गए तो कुछ उल्टा सीधा कि भाई आगे से हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। मैंने कहा आगे से तुम्हारा कोई टीवी भी कोई नहीं ले रहा भाई, तुम्हारे फ़ोन तो पहले से ही बॉयकॉट कर रखे हैं हमने अपने घर में। तो दोस्तों इसलिए जो मेरे टीवी में प्रॉब्लम थी वो अभी भी है, और मैं रिपेयर नहीं करवाने वाला, और आगे से ना ही मैं एमआई के कोई प्रोडक्ट वगैरह लेने वाला हूँ, इसलिए नहीं कि ये कोई चाइनीज़ कंपनी है, इसलिए कि इनकी सर्विस वगैरह, उनके प्रोडक्ट वगैरह सिर्फ काम चलाऊँ मैं, और जब भी जो कोई चीज़ लो तो अच्छी कंपनी की लो। तो अगली बार मैं देखूँगा कि शायद सोनी का ही टीवी लूँ, क्योंकि उसकी सर्विस वगैरह भी अच्छी होगी और कंपनी भी अच्छी है और ज़्यादा टाइम चलेगी भी उसकी चीज़ें। तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सोनी की कोई चीज़ लूँ, नहीं तो मतलब टीवी, और नहीं तो सेकंड नंबर पे मैं सैमसंग पे जाऊँगा, और कोई तुच्ची मुच्ची कंपनी मैं नहीं लेने वाला, और एमआई के तो कोई प्रोडक्ट नहीं लेने वाला कभी भी, ना फ़ोन ना कुछ, चाहे जितनी मर्जी सस्ती चीज़ें बना लें और ऑन पेपर जितने मर्जी बढ़ा चढ़ा के स्पेक्स दिखा लें, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अभी इस चीज़ से बाहर हूँ, बाहर में जाए एमआई, और मैंने अपनी साउंड बार खोल के दिखा दी, इसमें जो डोम ट्विटर था एक साइड का ये ख़राब हो चुका है, और इत्तेफाक देखो टीवी की एक साइड ख़राब और इसका एक साइड का ट्विटर ख़राब। हाँ लेकिन ये अलग अलग टाइम पे ख़राब हुए हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो चलो ये मेरी एक 2-in-1 सी वीडियो थी, जिसमें एक साउंड बार को मैं खोल के दिखाया मैंने आपको, और अपनी MI TV वाली कहानी सुनाई। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।